सोचा कि शायद हम सच में ही कोरोना योद्धा है, जैसे देश के लिए हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि इस नाम से हमें चिढ़ होने लगी है कि हमें सड़कों पर मजबूर होकर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जब तक हमें रिटर्न भी नहीं मिलता तब तक ये कोविड वॉरियर्स यहीं बैठे रहते हैं। तो ये सरकार और प्रशासन दोनों की वजह से हमारी आज ये दुर्दशा हो गई है। मासूमियत जो है इन लोगों में देखो कितनी भरी है, और ये बहुत मायूस हो चुके हैं कि अब जो है 30 तारीख को हमें बाहर का रास्ता दिखा ही दिया है सरकार ने। हमें हमारे घर वालों ने बोला कि घर पे रहो, इस महामारी में आप लोग अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। पर हमें एक सेवा भाव, हमारी सैलरी जनवरी से रोकी हुई है, जो ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों की कमी है सर। देखिए सर, जैसे कि आपने बता ही दिया है कि कोरोना वॉरियर्स, कहीं ना कहीं 2 साल पहले ये नाम हर लोगों की जुबान पर था, और आज आप देख रहे हैं कि वही कोरोना वॉरियर सड़कों पर उतर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मजबूरी है कि ये नाम हम लोगों के साथ जुड़ा। उस टाइम जब ये नाम जुड़ा हमने सोचा कि शायद हम सच में ही कोरोना योद्धा है, जैसे देश के लिए हमने कोई बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि इस नाम से हमें चिढ़ होने लगी है कि हमें सड़कों पर मजबूर होकर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या है कि वही कि आपको नियमित यहाँ पर करना चाहिए या पॉलिसी आपकी बननी चाहिए, यही डिमांड है। और क्योंकि काफी बार मिल चुके हैं आप, चाहे अधिकारी है, चाहे नेता है, चाहे मुख्यमंत्री है, क्या लगता है? देखिए सर, जैसे कि नियमिति का तो हमने कभी बोला ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई रूल और एक्ट होते हैं, और RNP रूल के तहत जो भर्तियां होती हैं उनको ही नियमित किया जाता है। पर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी भर्तियां की गई हैं, और जैसे हम आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए या तो कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए, स्थायी पॉलिसी ऐसी बनाई जाए, और जो 30 तारीख को हमारे रिलीविंग ऑर्डर दिए गए हैं उनको जो है कंटिन्यू जॉब के लिए कंटिन्यू हमें बुलाया जाए। उस रिलीविंग ऑर्डर को जो है डिसमिस करके हमें कंटिन्यू जॉब के लिए बोला जाए, जैसे कि 40,000 अदर आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं। हम यही अपनी सरकार से यही मांग करते हैं कि जब तक हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती, कोई अच्छी स्थायी नीति नहीं लाई जाती, तब तक हम भी और आउटसोर्स कर्मचारियों की तरह ही अपने कार्यों को निरंतर करना चाहते हैं। जो 30 तारीख के रिलीविंग ऑर्डर है, कहीं ना कहीं जो है मासूमियत जो है इन लोगों में देखो कितनी भरी है, और ये बहुत मायूस हो चुके हैं कि अब जो है 30 तारीख को हमें बाहर का रास्ता दिखा ही दिया है सरकार ने। तो आज हम यही मांग लेके आए हैं कि हमारी जो है ये जो ड्यूटी 30 तक की गई है और उसके बाद ऑटोमेटिकली रिलीव कर दिया है, हम उसे निरंतर करवाना चाहते हैं, यही मांग लेकर हम यहाँ पर आए हैं। सर देखो, मेरा नाम माशुक अली है, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ रियल कोविड वॉर्ड से। आश्वासन मिले हैं, पिछली बार भी हमें आश्वासन मिला था, अभी भी हम अगर सरकार हमें आश्वासन देती है तो हम, जैसे मैडम ने बताया, जब तक हमें रिटर्न भी नहीं मिलता तब तक ये कोविड वॉरियर्स जो है यहीं बैठे रहते हैं। मुख्यमंत्री से उससे पहले मुलाकात की थी आपने या हेल्थ मिनिस्टर से बात की थी आपने? नहीं देखो, उस 1-2 तारीख में जब हम धरना प्रदर्शन या रैली जो हमने निकाली थी, उस टाइम CM साहब ने ये बोला था कि आप हेल्थ मिनिस्टर से मिलो और आपकी फाइल को पुट अप किया जाएगा। अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें, कहाँ फाइल है, क्या कर रहे हैं। और हेल्थ मिनिस्टर से काफ़ी कई बार मिलने गए हैं तो वो वहाँ पे मिलते नहीं थे, या तो आप बिजी होते हैं उसमें शेड्यूल के, तो अभी तक ना तो उनसे मिला गया है, ना हमें अपनी फाइल का कोई रिजल्ट मिला। भी सर, मेरा नाम अजय है, चंबा से। कोरोना वॉरियर्स हमने पहले कहा कि कोरोना वॉरियर्स आज सड़कों पर है, क्या लगता है सरकार ये दुर्दशा? सर बताई जाए तो ये सरकार और प्रशासन दोनों की वजह से हमारी आज ये दुर्दशा हो गई है। क्योंकि उन्होंने अनदेखी करी है, जैसे जैसे कोविड के केसेस कम होते चले गए हमारी तरफ से ध्यान उनका हटता चला गया, हमें बार बार एक्सटेंशन के लिए आना पड़ता रहा। जब तक तो कोविड के केसेस थे तब तक ऑटोमेटिकली हमें एक्सटेंशन मिल जाती थी, जब हमें रखा गया तो सिर्फ 30 दिन के लिए रखा गया। हमें हमारे घर वालों ने बोला कि घर पे रहो, इस महामारी में आप लोग अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं। पर हमें एक सेवा भाव, और जो हम एज पर प्रोफेशन से नर्सिंग प्रोफेशन से हूँ सर मैं, ठीक है, तो अपने प्रोफेशन को देखते हुए लोगों की सेवा भाव के साथ आगे, सेवा भाव के साथ थोड़े से पैसे मिलते गए जिससे हमारा गुजारा होने लगा, तो धीरे धीरे हम उसी से गुजारा करते रहे। अब उससे हपचुल हो गए, उसी की आदत हो गई थी, ठीक है। तो जैसे जैसे अब कोरोना धीरे धीरे समाप्त होता गया तो हमारी तरफ से ध्यान खत्म हो गया, हमारी सैलरी जनवरी से रोकी हुई है, जो ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों की कमी है सर। तो अब हम आज ये सड़कों पे उतरे हैं। प्रशासन और प्रशासन दोनों ही नाकाम रहे, शासन प्रशासन दोनों बराबर के हिस्सेदार है सर इसमें। तो अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है कि कोई पॉलिसी जरूर यहाँ पर बनाई जाए।